फ्रेंड्स, माई सेल्फ साक्षी सचदेवा। आज के एक्सेल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अलग अलग स्ट्रिंग में अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर अलग अलग सेल में हमारी जो स्ट्रिंग होएगी तो उसको हम लोगों को ज्वाइन करके एक ही सेल के अंदर कैसे लेकर आना है। देखिए, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है कंकेटनेट। मैं इसको टाइप कर देती हूँ फिर से, पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ CONCATENAT, कंक्रीट नेट। और इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आप जब फॉर्मूला टाइप करेंगे तो आपको इसको एज इट इज़ ही लिखना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू कंक्रीट नेट, ठीक है। ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, आपसे पूछ रहे कौन सा टेक्स्ट, एक टेक्स्ट ये है और एक टेक्स्ट मेरा है। यहाँ पे आप रेफरेंस नहीं लेंगे, यहाँ पे आपको कोमा ही लगाना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कोई रेंज नहीं लेता है, ये सिर्फ आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आई, इसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग करा देती हूँ। तो देखिए क्या प्रॉब्लम क्या आई है कि कन्फर्म नहीं हो रहा है, नेम और सरनेम बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं, कन्फर्म ही नहीं है कि स्पेस कहाँ पर आएगा, क्या नाम बन रहे हैं, तो इस तरह से ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो हम चाहते हैं कंकेटनेट टेक्स्ट के अंदर भी हम लोगों को कुछ स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू कंकेटनेट, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट लिया मैंने, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप स्पेस दे दीजिए, फिर से कॉमा, और फिर आप ये टेक्स्ट ले लीजिए, फिर क्लोज करा दीजिए। देखिए जितना स्पेस आप लेंगे उतना ही स्पेस यहाँ पे ये ऐड करा देगा। देखिए मैंने दो स्पेस लिए थे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो इसने दो स्पेस दिखा दिए, और अगर आप सिंगल स्पेस लेंगे तो आपको वो सिंगल भी दिखा देगा। इसका एक प्रोसीजर और भी है, आप क्या करें, इज इक्वल टू, आपको ये टेक्स्ट लिया, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे एक एंड सिंबल का साइन लगा दीजिए, कोमा, इन्वर्टेड कोमास के अंदर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कोमास, फिर आप कोमा लगाएंगे, फिर आप एक एंड का साइन दे दीजिए, और फिर आप ये वाला टेक्स्ट ले लीजिए, ठीक है। आगे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इतना बड़ा कंकेटनेट फंक्शन आप लिखेंगे तो अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में डालना चाहें तो आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ये भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये होता है मेरा कंकेटनेट फंक्शन, कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे या फिर आप अपने यूज़ में इसको कैसे लाएंगे, आपने वीडियो में देखा। एक्चुअली कंकेटनेट करता क्या है कि आपकी जो अलग अलग स्ट्रिंग होएगी उसको अप्लाई कर देगा एक ही सेल के अंदर। मान लीजिए मैंने अलग अलग सेल के अंदर स्ट्रिंग लिखी हुई है और आप चाहते हैं उन सबको इकट्ठा करके एक ही सेल में दे दें, तो वो उसको इकट्ठा एक ही सेल में दे देगा। इस तरह से हमारा कंकेटनेट फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और बाकी की वीडियो के लिए आप मेरी वेबसाइट को, आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइज़।